हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से ऐसा खस्ता स्नैक जिसे कि आप महीनों तरह के खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची है ये। इसके आगे आप बाज़ार के बिस्किट और कुकीज़ खाना तो भूल ही जाएंगे, यकीन नहीं मानेंगे आप। इतना ज़्यादा ये टेस्टी, इतना क्रंची है। तो इसे हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूँ का आटा ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सूजी। सूजी से इसमें क्रंचनेस आता है, खस्ता बनता है ये। अब हम मैंने यहाँ पे डाला है इलायची का पाउडर। 2 बड़े चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे सफ़ेद तिल, और 2 बड़े चम्मच ही डालेंगे नारियल का बुरादा यानी कि देसी ग्रेटेड कोकोनट, और 3 बड़े चम्मच हम चीनी डालेंगे। देसी ग्रेटेड कोकोनट और तिल से ये बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनता है। इसका टेस्ट इतना शानदार आता है कि आप इसके आगे सारी मिठाइयाँ भी भूल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, एक बार आप यकीन करके इसे बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। और 3 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे देसी घी, जिससे कि इसमें अच्छा सा मोयन के लिए अनसर की चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने से ये बहुत ही खस्ता बनता है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी हल्का हल्का, और इसे आटे की तरह गूंथ लेना है। गूंथना नहीं है इसे, बस बाइंडिंग करना है। बस सारी चीज़ों को